श्री दुर्गा देवी नमः। ओम 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 हरि ओम शारदीय नवरात्र की महानवमी आप सभी को शुभ हो। इन नौ दिनों में माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ हम सभी ने देहि सौभाग्यमारुग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि की, तथा विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुर, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि की, हम सब ने माँ दुर्गा के श्री चरणों में इन महा उद्देश्य से, इस श्रद्धा से और इस भावना से कि माँ हम लोगों को सार्वत्रिक सुख प्रदान करें, आज नौ दिन का यह हमारा जो व्रत है शारदीय नवरात्रि का, यह पूरा हो रहा है और आज सब जगह माँ की आरती हो रही है, पूजा हो रही है, कन्याएं खिलाई जा रही हैं और हवन हो करके यह नौ दिन का जो शारदीय नवरात्रि का माँ का कार्यक्रम है उसमें उसको पूरा करते हुए माँ को हम लोग प्रणाम करके कि हे माँ, आपके प्रति इसी प्रकार की श्रद्धा बनी रहे और हम लोग हर प्रकार से आपके आशीर्वाद से सुखी और समृद्ध रहें। वे भक्त, वे माँ के भक्त जो पिछले नौ दिनों से लगातार व्रत रह रहे थे, आज उनके सामने यह प्रश्न है कि वह पारण कब करें। इस जिज्ञासा के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जो लोग नौ दिन का माँ का व्रत रहते हैं वे सब दशमी के प्रथम चरण में जो देवी महापुराण है, श्रीदेवी महापुराण, उसके अनुसार जो नौ दिन व्रत रहते हैं वे पारण दशमी में करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अपराह्न दिन में 3:46 तक नवमी है और उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी और दशमी का जो प्रथम चरण है वो अपराह्न 3:46 से लेकर के रात्रि 9:46 तक रहेगा, एक चतुर्थांश। तो प्रथम चरण रात 9:45 तक रहेगा। तो जो भक्ति श्रीमद देवी महापुराण के अनुसार पारण करना चाहते हों वे आज 3:46 के बाद जब दशमी लग जाएगी तो रात में 9:45 से पहले पारण कर लेंगे। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो नव दिन का व्रत रहने के बाद यह सोचते हैं कि हम दसवें दिन पारण करें, नौ दिन का पूरा पूरा उपवास रखें। देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे ही माँ का आपने हवन कर लिया, हवन कर रहे होंगे, उसके साथ आप माँ की पूजा करके उन्हें आप विदा कर देते हैं कि अगले जो चैत्र नवरात्र होगा माँ उसमें आप पुनः पधारने की कृपा करेंगी, तो इस अनुरूप आपका यह व्रत उसके साथ ही संपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में यह विचार हो कि हमें नौ दिन का व्रत रहना है तो कल आप सवेरे पारण करें, किंतु वह पारण ये ध्यान रहे कि प्रत्येक दशा में प्रातः ही हो जाए, क्योंकि 6:30 के आसपास जब सूर्योदय होगा तो तुरंत आपका पारण हो जाना चाहिए। शास्त्र सम्मत तो यही है जो मैं बता रहा हूं कि दसवीं के चतुर्चरण अर्थात आज 3:46 अपराह्न से रात्रि 9:46 तक पारण हो जाए, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है तो उसमें भी कोई दोष प्रतीत नहीं होता। आप नौ दिन का व्रत रहने के पश्चात कल प्रातः माँ का पारण करें और इसके साथ ही माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए माँ के जो नौ रूप हैं उससे आप आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि माँ हम सब के कल्याण के लिए आगे चैत्र नवरात्र में पुनः पधारें और इस बीच हम सुख से रहें, प्रसन्नता से रहें, विद्या हमें प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो और सब प्रकार से हम लोग जो माँ के रूप में हम परिकल्पित करते हैं, माँ की या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो, वह माँ हम सबका सर्वविध कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।